चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व दिग्गज मंत्री ने दिया इस्तीफा, मची अफरा तफरी। बताते चले, चंबल अंचल के भाजपा नेता व पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने अपने सभी पदों के साथ भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, वह स्वयं अपनी उम्मीदवारी न मिलने तथा पार्टी में उपस्थित होने से काफी समय से नाराज थे। उनके पुत्र राकेश रुस्तम सिंह ने 3 दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बसपा ज्वाइन कर ली थी। वे बसपा से मुरैना सीट से चुनाव लड़ रहे थे। अब आपको बता दें कि रुस्तम सिंह भाजपा में गुर्जर नेता थे और राज्य के पद से रिटायरमेंट लेकर भाजपा में शामिल हुए थे। वे 2003 में मुरैना विधानसभा से विधायक चुने गए थे और प्रदेश सरकार में मंत्री बने थे। इसके बाद वे 2008 में चुनाव हार गए थे। 2014 में एक बार फिर चुनाव जीते और सरकार में मंत्री बने और इसके बाद 2018 के चुनाव में वे हार गए थे। उपचुनाव में उन्हें मौका नहीं दिया गया। इसके बाद 2023 में जब उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनके पुत्र राकेश सिंह ने बसपा की सदस्यता ले ली। रुस्तम सिंह ने अपना इस्तीफा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा सहित प्रदेश संगठन मंत्री, जिला अध्यक्ष व जिला संगठन मंत्री को भेजा है। फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार चुनाव से पहले बीजेपी से तमाम विधायक, कार्यकर्ता और मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हो सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।